Friend, in this video we will read maths of class third. तो चलिए शुरू करते हैं क्लास थर्ड के मैथ को, जो कम्प्लीटली NCERT पर बेस्ड है और CBSE पैटर्न पर बेस्ड है. यहाँ पे हम लोग देखिए हर एक क्लास में रिवीजन का क्लास सबसे पहले पढ़ते हैं. जैसे आप क्लास थ्री में मान लीजिए आप क्लास टू से क्लास थ्री में गए, तो आपको सबसे पहले क्लास टू, क्लास वन, UKG, नर्सरी, LKG की चीज़ें एकदम अच्छे से स्पष्ट रूप से मालूम होनी चाहिए. इसीलिए एक चैप्टर रिव्यू होता है, जो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है उसी को एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज्ड करवाता है. तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कंप्लीट द काउंटिंग फ्रॉम 501 टू 600 बाई फिलिंग द मिसिंग नंबर. यहाँ पे देखिए कुछ नंबर को मिस कर दिया गया है और आपको जो है पूरा काउंटिंग जो है भरना है. यहाँ पे देखिए 501 है, 502 है, तो ये 503 होगा, 504 होगा, 505 होगा, फिर 506, 507, 508, 509, 510 होगा. वो ऐसे फिर 601 होगा. ऐसे ऐसे आप पूरा काउंटिंग भरेंगे और यहाँ से भरते हुए 600 तक, यहाँ तक 600 तक जाएंगे. और आपके लिए यह पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स जो है होमवर्क है. आप जो है एक सादा पेज पे इसको लिख के और आप हमको व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है. उसी प्रकार से सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन जो है फिलिंग द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पर देखिए फिलिंग द मिसिंग नंबर्स इन रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 300 to 201, यानी उल्टे क्रम में भरना है. देखिए यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 299 है, तो यहाँ पे 298 होगा, 297 होगा, 296 होगा, 295 होगा, फिर 294 है, 293 होगा, 292 होगा, फिर 291 होगा. इस तरीके से यहाँ पे 290 है तो 289 होगा. इसी तरीके से आपको पूरा क्या करना है, फिलिंग्स द ब्लैंक्स 201 तक क्या कर देना है, क्लियर भर देना है. ये भी आपके लिए पूरी की पूरी तरीके से क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा. एक पेज पे आप इसको क्या करेंगे, बुक पे नहीं, पेज पे आप अलग से लिख के हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, व्हाट्सएप 9616963528 पे, ठीक है दोस्तों. तो ये चीज़ आपको ध्यान देना. चलिए